से न्यूज। जमशेदपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई स्थानों पर वृक्षारोपण और पौधा वितरण का आयोजन किया गया। पूर्व कमिश्नर सह भाजपा नेता विजय कुमार सिंह समेत अन्य लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया, साथ ही लोगों के बीच पौधा वितरण करने के लिए टेम्पो गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं विजय कुमार सिंह ने कहा कि पर्यावरण का हमारे जीवन में काफी महत्व है, इसलिए सभी लोगों को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। सभी आपके दर्शकों को पहले नमस्कार, जोहार। हम लोग अभी विजय गार्डन आए हुए हैं बारेड़ी, और यहाँ एक फील्ड है जैसा देख रहे हैं आप, और इस जगह पर लगभग 30-35 वृक्षों का रोपण हो रहा है, जिसमें नीम है और फ्लावरिंग है, प्लस आपको उड़ूल भी है, सीतासल है, और इस तरह के 5-6 वेराइटीज हैं जो फ्लावरिंग भी है और वो भी हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पर्यावरण को बचाएं हम, और पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ एक बहुत अच्छा माध्यम है। और माध्यम इन सेंस कि इससे वाटर रिटेंशन होता है, वाटर लेवल बढ़ता है, छांव मिलती है हमें, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, साथ ही साथ बच्चों को प्रेरणा भी मिलती है आने वाली पीढ़ी को कि हम पेड़ लगाएं और इस संसार को बचाएं, ताकि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, यदि हम पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे और नए जो खराब हो चुका पर्यावरण उसको पुनर्जीवित नहीं करेंगे, तब तक ये आने वाली पीढ़ी हमारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आने वाली पीढ़ी का तो बात यह, आप देख रहे हैं 54 टेम्परेचर जा रहा है, यहाँ का भी टेम्परेचर 50 टच कर रहा है, ये क्यों है? 10 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, एवरी 10 साल में आपको स्थिति बहुत खराब होते जा रही है, और ये आने वाला समय ऐसा आएगा 60-70 डिग्री हो जाएगा यदि हम लोग सचेत नहीं होंगे, और आदमी का सर्वाइव करना और कोई भी जीव जंतु का सर्वाइव करना इस धरती पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पर्यावरण बचाएं, अपने को सुरक्षित रखें, भावी पीढ़ी को सुरक्षित बनाएं, ताकि ये देश भावी पीढ़ी के साथ उसी को विकसित राष्ट्र बनाना है, और वो पीढ़ी सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी हम लोग विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकते हैं, विश्व गुरु बन सकते हैं। और साथ ही साथ जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट था, कोई गरीब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को अच्छा माहौल मिले, स्वस्थ वातावरण मिले, ये बहुत जरूरी है। दिन भर के ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ YouTube और Facebook पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।